आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सप्ताहांत में मलेशियाई पाम तेल वायदा में मंदी आई है। कारोबारियों और विश्लेषकों का कहना है कि एक दिन पूर्व श्रमिकों की कमी की आशंका के कारण आई तेजी के बाद यह वायदा अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाने के बाद कारोबारियों द्वारा मुनाफा वसूली बिकवाली किए जाने के कारण पाम तेल में नवीनतम मंदी आई है। हालांकि नवीनतम मंदी के बाद भी साप्ताहिक आधार पर यह वायदा लगातार चौथे सप्ताह भी तेज हुआ है। बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज का बेंचमार्क मार्च पाम तेल वायदा 34 रिंगिट या 0.66% मंदा होकर 5127 रिंगिट यानी कि लगभग 1227.44 डॉलर प्रति टन पर बंद हुआ। साप्ताहिक आधार पर इस वायदा में 2.68% का उछाल आया। यहां स्थिति एक कारोबारी ने कहा कि एक दिन पूर्व आई तेजी के बाद बाजार मुनाफा वसूली के मूड में नजर आ रहा है। पाम तेल बाजार ने डालियन तथा सोया तेल में आई मंदी का अनुसरण किया है। डालियन के प्रतिस्पर्धी खाद्य तेलों में दिन के अधिकतर समय के दौरान मंदी ही बनी रही। इसकी वजह से पाम की धारणा प्रभावित हुई, लेकिन अंतिम कामकाज के समय धारणा पुनः बदल कर सकारात्मक हो गई। डालियन का सोया तेल वायदा 0.5% बढ़ा। इसके पाम तेल वायदा में 0.82% की तेजी दर्ज हुई। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के सोया तेल में 0.5% की मंदी दर्ज की गई। संबंधित तेलों में आने वाली मंदी तेजी से पाम तेल की कीमत प्रभावित होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार में वे एक दूसरे के हिस्सेदारी के लिए मुकाबला करते हैं। कारोबारियों ने आगे कहा कि भारत के आयात में संबंध में प्रतिकूल समाचार आने तथा पाम बायोफ्यूल्स की वजह से आने वाले दिनों में भी बाजार की धारणा पर असर हो सकता है। एक औद्योगिक कॉन्फ्रेंस में मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल ने कहा कि वर्ष 2022 में भारत का खाद्य तेल आयात लगभग 2% तक घटने की आशंका है, क्योंकि देश घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना चाहता है। चूंकि भारत के इस कदम से पाम तेल सबसे अधिक प्रभावित होता नजर आ रहा है, जबकि सोया और सूरजमुखी तेल का आयात लगातार बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।